भागलपुर डीपीएम कार्यालय के समक्ष बिहार राज्य स्वास्थ्य संविदा कर्मी संघ जिला इकाई द्वारा 16 सूत्री मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल कर धरना पर बैठ गए। इस दौरान संघ के अध्यक्ष विनय कुमार उपाध्याय ने कहा कि विगत माह 16 सूत्री मांगों को लेकर सभी एनएचएम संविदा कर्मी हड़ताल पर चले गए थे, जिसमें स्वास्थ्य मंत्री बिहार सरकार संघ के प्रतिनिधि मंडल के साथ संघ के मांगों को सही ठहराते हुए सहानुभूति पूर्वक विचार कर एक माह के अंदर मांगों को पूर्ण आश्वासन दिया गया था, लेकिन एक माह बीत जाने के बाद हम सब सभी संविदा कर्मी ठगा महसूस करने लगे हैं। भागलपुर नौगछिया में बाइक चोर ने बाइक चुराने का एक नया तरीका ढूंढ निकाला है। बताया जा रहा है कि नौगछिया तेतरी दुर्गा मंदिर के समीप एक फर्नीचर दुकान में बैसी मरैया खरीद के सूरज नाम का लड़का फर्नीचर का सामान खरीदने आया और फर्नीचर के सामानों की कीमत तय होने के बाद पैसे के लिए दुकानदार चंदन को एटीएम जाने को कहा। जब लड़का एटीएम केबिन में प्रवेश कर बाहर आया तो उक्त दुकानदार को तंबाकू लाने को भेज दिया। वही मौका पाते ही चोर दुकानदार का मोटरसाइकिल लेकर फरार हो गया। वही दूसरे दिन बाइक चोर फिर तेतरी दुर्गा स्थान आया तो दुकानदार चंदन ने उसकी पहचान कर पकड़ने लगे तो उक्त चोर भागने की कोशिश करने लगा। तदुपरांत ग्रामीणों के सहयोग से चोर को पकड़कर पुलिस के हवाले किया गया। वहीं पुलिस संदिग्ध के आधार पर उसे गिरफ्तार कर छानबीन में जुट गई। इसे पता चला कि यही है जो बाइक चुरा, ये घंटा हम एकदम करना चाहिए। अच्छा, घटना क्या हुआ था? पलंग लेने किस दिन? परसों। परसों तो कितने लड़के के साथ वो आया था? तो 9000 बात भले हमारा बेटा से बात भले करके चलो एटीएम से पैसा दे एक ले गए। अब एटीएम ढुकले और उन्हें ढुकले छोड़मान करता है आइए की करके वहाँ जब एटीएम से घुर रहे कल के हमारा पुड़िया आईटा पैसा आना बस पुड़िया आने में चाहिए मोटर। तो ये जो लड़का आपके दुकान पर जो आया था, दुकान पर से आपको एटीएम ले गया, तो लड़का अकेले था कि और इसके साथ कोई? अकेले एक ही था। अभी कैसे पकड़े इसको? एकरा की ये हमें नहीं कि यही आदमी छो ये घंटा जगह ले हमारे नहीं तीन बार। तो उस दिन आपके साथ एक घंटा उसको पकड़ के क्या बैठाए? उसको पकड़ के बैठाए? भागलपुर में रामफल मंडल का शहादत दिवस अखिल भारतीय धानुक उत्थान महासंघ भागलपुर की ओर से मनाया गया। शहीद रामफल मंडल जी ने देश की आजादी की लड़ाई के पहले बिहार के सपूतों में एक हैं, जिन्होंने देश की आजादी के लिए सीतामढ़ी जिले के बाजपट्टी थाना अंतर्गत अंग्रेजों के जुल्म के खिलाफ 5-5 अंग्रेजों के मुलाजिम को मौत के घाट उतार दिए थे। उक्त जुर्म में आज ही के दिन 23 अगस्त 1943 को भागलपुर सेंट्रल जेल में हंसते हंसते फांसी के फंदे को चूम लिया।